ग्वालियर किला मध्य भारत के मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास स्थित है। किला एक सुरक्षित बनावट के साथ दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग गुजरी महल और दूसरा है मन मंदिर। इसे 8वीं शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। इतिहास में बहुत से राजाओं ने इस किले पर अलग अलग समय पर इस नियंत्रण में रखा है। गुजरी महल को रानी मृगनयनी के लिए बनवाया गया था। यह एक ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। सुनने से जुड़े हुए सबसे पुराने दस्तावेज इसी किले के ऊपर की ओर जाने वाले एक रास्ते पर एक मंदिर में मिले थे। ये तकरीबन 1500 साल पुराने थे। ग्वालियर किले को बनने में कितना वक्त लगा इसके कोई पुख्ता साक्ष्य लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा और 1.4 मीटर ऊंचा है। इस किले की खूबसूरती जानने के बाद आप इस किले के दीवाने हो जाओगे। द ग्वालियर फोर्ट कहते हैं ये किला महाराजा मान सिंह ने बनवाया था। यहाँ की दो जगह मान मंदिर और गुजरी महल, इन दो जगह पर आपको इंडियन आर्किटेक्चर की लेजेंडरी कार्विंग और क्राफ्टमैनशिप देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक बड़ा कुंड है जिसे चोर कुंड कहते हैं। कई सालों तक का पानी स्टोर किया जा सकता है। जाता यहाँ ऐसी बहुत सारी खूबसूरत जगह थी जो आपको जीते जी स्वर्ग का एक्सपीरियंस करा सकती है। लेकिन 16वीं सेंचुरी में मुगलों ने इस किले की कई खूबसूरत जगहों को स्वर्ग से नर्क की यातना देने वाली जगहों में बदल दिया। लेकिन 19वीं सेंचुरी में जब मराठा एम्पायर का इन्वेजन हुआ तब इस किले को अपनी असली पहचान मिली और ग्वालियर को बना दिया था कैपिटल। और तब से लेकर आज तक ये महल भारत की आन बान और शान। अगर आप इंडियन है तो एक बार इस किले को विजिट कीजिए और हमारे एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर्स के बारे में और जानिए। खूबसूरत लड़की को भैंस से लड़ते देखा और वो सीन देखा जब वो लड़की लड़ते हुए अपनी धागे से भैंसे को हरा देती है। राजा बड़े खुश हुए, उस लड़की से नाम पूछते हैं। लड़की ने अपना नाम बताया नन्नी। नन्नी माने छोटा होता है। राजा मानसी ने नाम चेंज किया, नाम रखा मृगनयनी। शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा तो लड़की ने शादी करने से पहले उनसे 3 शर्तें की मांग की। राजा ने उनकी 3 शर्तों को मान ली। तो लड़की ने पहली शर्त मांगी कि आपकी रानियां पर्दा डालती हैं, हम पर्दा कभी नहीं रखेंगे। दूसरी शर्त, आप इतना लड़ने जाएंगे, जंगल में शिकार खेलने जाएंगे तो हम साथ में रहेंगे। तीसरी शर्त, हम आपके ग्वालियर के पानी को यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे अंदर जो ताकत है, जो सुंदरता है, वो हमारे राई गांव के पानी का कारण है। यहाँ की मेरे निवाली हूँ, जिस नदी का पानी पीती हूँ वो पानी निरंतर ग्वालियर तक लाया जाए तो भी शादी कर सकती हूँ। ये शर्त बहुत कठिन थी। गाँव की दूरी 18 फुट पर थी, 3.5 फुट की हाइट थी। किले के ऊपर पानी को लाना संभव नहीं था लेकिन राजा ने वचन दे दिया था पूरा करना। नीचे संगीतकार बैठा करते थे, ऊपर रानियां बैठा करती थी। पहले के टाइम में राजपूत रानियां घूंघट क्या करती थी तो ऊपर आप साइड में देख रहे थे ब्लैक कलर के पर्दे लगे हुए करते थे सारी जालियों में। आप जाली में देखेंगे जेंट्स एंड लेडीज डांस करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। डांडिया डांस, दोनों के हाथ में डांडिया दिखेगा। ऊपर रानियां बैठ कर नीचे संगीत कलाकारों को तो देख पाती थी लेकिन नीचे बैठे संगीतकार रानी को नहीं देख पाते थे क्योंकि ऊपर ब्लैक कलर का पर्दा लगा हुआ करता था। ये आप जो पिलर्स देख रहे हैं सारे इंटरलॉकिंग सिस्टम द्वारा लगाए गए हैं, रॉक और मेटल का यूज करके इंटरलॉकिंग सिस्टम द्वारा, क्योंकि पहले के टाइम में प्लास्टर और सीमेंट तो नहीं हुआ करती थी, इसलिए इंटरलॉकिंग सिस्टम द्वारा पिलर्स लगाए गए। राजा सूरज सेन जी ने 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में बनाया था। उसके बाद में 1508 ईस्वी में राजा मान सिंह तोमर ने मान महल को बनवाया था। ये मान महल का मीटिंग हॉल है जिसमें राजा ऊपर मंत्रीगण नीचे हुआ करते थे। महल की दीवारों में भारी नक्काशियां, कई सारे डिजाइन सिंबल देखने को मिलता है। इस महल में कई सारे खुफिया रास्ते, गुप्त सुरंगें हैं जिसे भूलभुलैया बोला जाता है। इस महल का डांसिंग हॉल है। ग्वालियर फोर्ट अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। इस किले पे 108 राजाओं का शासन हुआ। ये किला सिटी के सेंटर में बना हुआ है। चाचबाव का मंदिर है जिसे राजा महिपाल ने 11वीं शताब्दी में अपनी माता और पत्नी के पूजा करने के लिए बनाया था। दोस्तों, ये 3 मंजिला दिल्ली का मंदिर है जिसे 8वीं से 9वीं शताब्दी में बनाया गया था।
थैंक यू विजिट ग्वालियर फोर्ट।